कोशिश यही थी कि शिया सुन्नी दंगा हो जाए, शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा हो जाए, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है, उसकी चाल बिल्कुल उलट गई है। सभी एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदे मुबीं, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज बताने वाला हूँ, एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखने के बाद आप भी मेरी तरह खुश हो जाएंगे और सोचने लगेंगे कि हाँ यार, वाकई में हिंदुस्तान में हिंदू भाई, अमन पसंद हिंदू भाई अभी भी हैं जो मुसलमानों का साथ दे रहे हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, खुशखबरी ये है कि हिंदू मुस्लिम, शिया सुन्नी, देवबंदी बरेलवी और वहाबी सब एकजुट हो गए हैं, इत्तेहाद पैदा कर लिए हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, वसीम रिजवी कुरान पाक से 26 आयतों को हटा करके वो ये समझ रहा है अपने आप को कि हम बहुत बड़ा काना दज्जाल बन गए हैं। लेकिन वसीम रिजवी, तुम वही पौने दो कौड़ी के शैतान हो और ऐसे शैतानों को झाड़ फूंक करके भगाने के लिए हिंदुस्तानी जनता मौजूद है। दोस्तों, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि वसीम रिजवी जितना फूट डालने की कोशिश कर रहा है उतना ही हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सब एक हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों, वसीम रिजवी ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है कि यूपी में इलेक्शन का टाइम करीब आ रहा है और किसके इशारे पर कर रहा है ये सब, शायद आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, आप खुद समझ सकते हैं कि किसके इशारे पर वसीम रिजवी इस तरह कर रहा है। लेकिन आप लोगों से एक बात मैं बिल्कुल वादे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी जो एक कुरान को कुछ फेर बदल करके जो ये कह रहा है कि कुरान को हमने बदल दिया, वसीम रिजवी कभी भी कुरान को नहीं बदल सकता है। ये दुनिया जब तक रहेगी तब तक कुरान रहेगा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अल्लाह गारंटी लेता है कि कुरान को हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह कह रहा है कि हमने कुरान को उतारा है और हम हिफाजत करेंगे, लेकिन वसीम रिजवी कहता है कि हम कुरान को बदल देंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काना दज्जाल बनने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब आइए उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह वसीम रिजवी फेल होता नजर आ रहा है और वसीम रिजवी के साथ सभी लोग, सभी जनता एकजुट होकर के आवाज उठा रहे हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें उससे कोशिश की थी कि शिया सुन्नी दंगा हो जाए, शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा हो जाए, लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है, उसकी चाल बिल्कुल उलट गई है और बजाय आपस में लड़ाई होने के, इख्तलाफ होने के, आप देख रहे हैं सब इतिहाद पैदा हो गया है और पूरी इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में शिया सुन्नी इत्तेहाद का मुजाहरा हो रहा है। हर जगह शिया सुन्नी मिल के, बल्कि हिंदू भाई भी हमारे जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं, साफ पसंद लोग हमारे साथ आ रहे हैं कि फिर अगर दरवाजा खुल गया है, कोई खड़ा होगा म्युनिसिपैलिटी पर ले आएगा, कोई कहेगा बाइबिल पर, कोई तो एक तूफान खड़ा हो जाएगा और फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा फिर। लिहाजा अभी सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि शुरुआत में ही इस पर रोक सख्ती से लगाए और इसके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाए। दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो मुसलमान भाई हैं उनसे खास करके मैं कहना चाहता हूं कि वसीम रिजवी जो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ये इस काना दज्जाल की बातों में मत आइए। लेकिन अफसोस की बात है, अभी भी मुसलमान, कुछ मुसलमान हैं जो ये कर रहे हैं कि ये वहाबी है, ये देवबंदी है, बरेलवी है। देखिए भाई, मैं आप लोगों से भीख मांगता हूँ, आप लोगों से मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज एक हो जाइए। आप कलमा पढ़ते हैं, एक ही कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह का जो किताब है कुरान, उसी कुरान को सब पढ़ते हैं, लेकिन आपस में ये देवबंदी, बरेलवी, वहाबी इस तरह क्यों? एक ही नबी की उम्मत है, एक ही कुरान, एक ही हदीस, फिरकों में मत बटिए, नहीं तो वसीम रिजवी की कोशिश जीत जाएगी। और अगर बीजेपी यूपी में जीत गई तो सोच लीजिए हमारा और आपका अंजाम क्या होने वाला है।
दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट के पूरी वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट में लिखिए, और इंसानियत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ।